मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने पोषण आहार पर चर्चा को लेकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि विपक्ष पोषण आहार पर सीएम का वक्तव्य सुनना नहीं चाह रहे। विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा है। पहली बार सीएम शिवराज ने पोषण आहार को लेकर चुप्पी तोड़ी है और कहा कांग्रेस पोषण आहार मामले में भ्रम फैला रही है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों को विधानसभा में आने से रोक दिया गया, जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा किसी भी विधायक के सम्मान को आज नहीं आने दी जाएगी, लेकिन ये कांग्रेस के विधायक तख्तियां लेकर आ रहे थे जिसकी वजह से रोका गया। वहीं पोषण आहार को लेकर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा किया। एमपी पोषण आहार घोटाले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। सरकार ने एक वक्तव्य के माध्यम से सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सीएम ने कहा कि सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है। सदन में माननीय अध्यक्ष ने मुझे अपनी बात रखने के लिए अनुमति दी थी, उसके अंतर्गत ही हमने अपनी बात रखने का फैसला किया था। सीएम ने कहा कि ऑडिट की प्रक्रिया कांग्रेस के मित्र भी जानते होंगे, इसके बाद समीक्षा रिपोर्ट विभाग को भेजी जाती है। शिवराज ने कहा कि टेक होम राशन के परिवहन में इस रिपोर्ट के अनुसार स्कूटर और बाइक का उपयोग हुआ है। ये कांग्रेस के कार्यकाल के भी हैं, हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। टेक होम राशन में जो अमानक स्तर मिला है वह कांग्रेस के शासनकाल का है। हमने 36 करोड़ रुपए का पेमेंट रोक दिया है। कांग्रेस ने पोषण आहार संयंत्रों को ठेकेदार को सौंप दिया था। हमारी सरकार आने के बाद इसे फिर से महिला स्व सहायता समूह को देकर महिला सशक्तिकरण का काम किया है। पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, सरकार ने फैसला किया एक वक्तव्य के माध्यम से सारी स्थिति सदन को और सदन के माध्यम से जनता को स्पष्ट की जाए। अब सदन में वक्तव्य देना यह सरकार का अधिकार है और इस अधिकार का अनेकों बार प्रयोग हुआ है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता कि अगर सरकार तथ्यों को रखना चाहती थी वक्तव्य के माध्यम से, तो आखिर प्रतिपक्ष को दिक्कत क्या थी? प्रारंभ में ही हमने कह दिया था और वक्तव्य की हमने अध्यक्ष जी से अनुमति ली थी, माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी और उसके अंतर्गत वक्तव्य देने का हमने फैसला किया था और उस समय ही हमने ये कह दिया था कि नेता प्रतिपक्ष बोले और कोई सदस्य बोले, हर एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस को चर्चा से भागना था, उनको तथ्यों से मतलब नहीं है, और इसलिए जब मैं वक्तव्य दे रहा था तब उन्होंने हंगामा किया और सारी बातें ठीक से ना आ पाए इस बात का प्रयास किया। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यहां पर बताया जैसा कि उनके समय की गाड़ियों के नंबर स्कूटर मोटरसाइकिल के और उनके समय का जो खाद्यान्न गड़बड़ी घोटाला, कमलनाथ जी ने जब अंदर भाषण दिया गोविंद सिंह जी के में, तो उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह जी से अपेक्षा है कि वो उस गर्मी को बना के रखे। ये वही गर्मी थी कि वो जानते थे कि अगर शिवराज सिंह जी ने बोल दिया तो फिर सारी की सारी कालिख उनकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये जो ठेकेदारों को देने का काम किसी ने किया था, ठेकेदारों को देने का पाप किसी ने किया था, तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। ये पाप कांग्रेस का पाप था जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी मातृशक्ति के हाथों से रोजगार छुड़ाया, ये बड़ा पाप था। और उसी समय के ये घोटाले हैं,
उसी समय की चली आई परंपरा, इसलिए ये चर्चा नहीं चाहते थे सदन। पोषण आहार मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस पर चर्चा से भाग रही है। वहीं पोषण आहार घोटाले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा ये कैक की पूरी रिपोर्ट नहीं है। सदन में विपक्ष ने हंगामा किया, विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार पूरे देश में घोटालों की सरकार बन चुकी है। बच्चों के कुपोषण के रात्रि महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के जो सुविधा के लिए उनके कुपोषण समाप्त करने के लिए जो करोड़ों की राशि भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जनता की गाली कमाई की सरकार का जो बजट पास होता है, शिवराज सिंह जी की सरकार जिसके मुखिया शिवराज सिंह है और महिला बाल विकास के मंत्री भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं। तो अपनी तरफ से तैयार थे चर्चा के लिए, पर विपक्ष के पास कोई फैक्ट ही नहीं है। अब जब फैक्ट नहीं है तो इसलिए हल्ला करो, चर्चा से विपक्ष भाग रहा है। अगर आपके पास फैक्ट है तो लाइए ना आप, हम तो एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारा घोटाला जो जितना भी गड़बड़ हुई है ये कांग्रेस सरकार के समय हुई है। कमलनाथ सरकार की ठेकेदारों को किसने दिया? महिला स्व सहायता समूहों को देने का निर्णय माननीय स्वराज जी ने लिया, जिसको लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार को उस समय की यूपीए सरकार ने दिया। और बाद में फिर इसको लेकर जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई तो महिला स्व सहायता समूह से ये छीन कर और ये जो है ये सारा स्व सहायता ठेकेदारों को दे दिया, जिसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। विपक्ष आरोप लगाता है सरकार छुपा रही है। सरकार कब छुपा रही? सरकार तो पूरा उत्तर रखा सरकार ने, बताओ ना क्या छुपाया उसमें। आप चर्चा करो ना, प्रक्रिया है, जब वक्तव्य होता है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप कहते ना उसमें कोई चीज, आप पूछते हम जवाब देते। तो ये कि हमारे साथ मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सीएजी की रिपोर्ट आई है जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी, विपक्ष के हंगामे के बीच ये चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि सीएम शिवराज सिंह जी ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन विपक्ष ने जो हंगामा किया उसके बाद वो चर्चा से भाग रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा सीएजी की रिपोर्ट की वस्तु स्थिति क्या होती है और इसमें क्या निकल कर सामने आता है। कैमरामैन अफजल के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज़ भोपाल। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।